नमस्कार दोस्तों। 33 करोड़ देवी देवता के बारे में हम सब जानते हैं, सुना भी है अपने दादा से या दादी से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 33 करोड़ देवी देवता के ऊपर बच्चों को यकीन नहीं होता है। लेकिन आज मेरी इस वीडियो के दौरान जानिए कि 33 करोड़ देवी देवता पाताल भुवनेश्वर गुफा में अभी भी स्थित है। ये वह स्थान है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता अभी भी विराजमान है। अक्सर हमने 33 करोड़ देवी देवता के बारे में सिर्फ सुना है, तो उसके बारे में जान लीजिए। ग्रंथ में इसके बारे में पूरे विस्तार से बता रखा है। स्कंद ग्रंथ में ये बता रखा है कि 33 करोड़ देवी देवता आपके किस स्थान पर और कैसे विराजमान है। अक्सर देखा जाता है कि आपके जो भी 33 करोड़ देवी देवता है, हिंदू धर्म में सभी पूजनीय माने जाते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिसमें सभी अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो उनकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं, अलग अलग मंदिर की स्थापना है और अलग अलग ही उनके कार्य भी हैं। लेकिन अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यदि आप चाहना चाहते हैं, भुवनेश्वर पाताल में गुफा है जिसमें जाने पर आपको 35 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। लेकिन यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मन साफ होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि आपके देवी देवताओं की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है, मान्यता होने पर भी यदि मन साफ ना हो तो आपकी जो भी मान्यता है वह पूरी नहीं हो पाती है। यदि आपकी इच्छा जागृत होती है कि आप उनके सभी के दर्शन कर पाएँ, लेकिन दर्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका मन साफ होना चाहिए। लेकिन मन साफ ही तो नहीं होता है, क्योंकि इंसान के पास मोह क्रम को लेकर हमेशा उसी चीज़ में उलझा रहता है। हमेशा वह दुनिया की चीजों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से वह ना तो पूजा कर सकता है और ना पूछ सकता है, जिसकी वजह से उसे ना तो उनका ज्ञान होता है। यदि आप जानना चाहते हैं, स्कंद ग्रंथ के अध्याय में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जान सकते हैं। यदि आप 33 करोड़ देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर में जाकर आप स्थान देख सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।